वेलकम टू दी दारू रिव्यू। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग दारू लेके आया, मोर ऑफ फिजी ड्रिंक देन रियली अ बियर और अ वाइन। सो जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है टिल्ट एंड इट्स इनका एक फ्लेवर है रेड कलर फ्लेवर। अगर आप ये जो ड्रिंक है, अगर आप ये देखोगे तो इसमें 11% अल्कोहल है और इसमें ये बेसिकली वाइन बेस्ड है। तो ये फिजी ड्रिंक है और जनरली ये उन लोगों के लिए है जो ब्रीज़र पीते हैं या फिर जो बियर पीते हैं पर दे डोंट लाइक द हॉप्स, और या फिर वो जो आफ्टर ये आता है, क्या उसे बोलते हैं, दी दी बर्ब्स। तो अगर आपको बर्ब्स आते हैं या फिर डकार आते हैं तो इस मामले में ये एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इस टाइप का चीज़ मैं भी पहले नहीं जानता था। ये मेरे मैं जब उड़ीसा गया था तब मैंने एक इसी टाइप का ड्रिंक पिया, उसका नाम था ब्रोकोड। तो उसी के बाद से ये इसी टाइप के ड्रिंक्स मैं एक्सप्लोर करता हूँ। पहले मैं जनरली ब्रीज़र पीता था पर अब मैं इस टाइप के ड्रिंक्स ढूंढता हूँ क्योंकि दे गिव यू द केक ऑफ अ बियर बट आर वाइन बेस्ड। मतलब आपको केक पूरा बियर की तरह देता है पर ये वाइन बेस्ड है। इसका एक टाइप का नाम आता है जो जनरली आप अगर चेक करो तो उसे बोलते हैं ब्रूट, पर पता नहीं ये 11% ये ब्रूट की कैटेगरी में आएगा, हम इसे बोलेंगे। ये एक फिजी ड्रिंक है जो वाइन बेस्ड है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर हैं फाराटेली, इनके वाइन्स भी बनते हैं, ये आप देख सकते हो फाराटेली, तो ये वाइन भी बनाते हैं। और इनका मैंने और एक भी फ्लेवर पिया है, आई थिंक टेल्ट या फिर उनका और एक ब्रांड भी है। तो मैं आपको, और ये 250 ml 250 ml का के कैंस में आता है, ये बैंगलोर में मिलता है। आप दूसरी जगह जाओ तो आप इस टाइप के ड्रिंक्स ढूंढ सकते हो। मतलब इफ़ यू आप अगर आपको अगर हाई होना है और पर आपको जैसे वोडका हो गया या फिर आपको बियर हो गया, इनका इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो अगर फील नहीं करना है, आपको अगर थोड़ा सा अच्छा फील करना है तो मैं कहूँगा कि ब्रीज़र के ऑल्टरनेटिव में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रिंक है। तो मैं अब इसे पीऊँगा और आपको अपना रिव्यू दूंगा। थैंक यू। तो मैंने ये टिल्ट खोल लिया है और आप देख सकते हो, और मैं इसका स्मेल टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा ये कैसा टेस्ट करता है। तो जब मैं ये टेस्ट करता हूँ तो इसमें मुझे मोस्टली फ्रूटी फ्लेवर आता है। स्पेसिफिकली आप अगर कभी कल्याणी बियर पिए हो तमिलनाडु में, और यहाँ की लोकल बियर आप जब पीते हो तो एक फ्रूटी फ्लेवर जनरली आता है और बहुत ही हाई किक देता है। वो बियर कम और कुछ और, मतलब एक फ्रूटी फिजी ड्रिंक ज़्यादा लगता है। ये भी सेम है पर ये इसमें वाइन का भी फ्लेवर है, मोस्टली शैम्पेन का। तो और एक थोड़ा सा हिंट ऑफ आप बोल सकते हो कि मैं इसे पीऊँगा और आपको बताऊँगा ये कैसा टेस्ट कर रहा है। इसमें तीन लेयर के फ्लेवर्स हैं। पहले आपको जब हिट करता है तब तो आपको एक प्रॉपर शैम्पेन जैसा फील होता है। फिर आपको एक हैवी ग्रेप ग्रेप का फील आता है, और फिर इसमें जो फिजीनेस है वो आपको हिट करता है। तो आप बोल सकते हो कि आप एक शैम्पेन एक सस्ते प्राइस में पी रहे हो, पर
एज ए ड्रिंक इट्स रियली गुड. मतलब जो उनको वाइन पसंद है उन्हें शायद ज़्यादा पसंद आएगा. और जो बियर से मूव करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है. और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मैं एक बार इसी टाइप का एक ड्रिंक पी लिया पूरा. पता भी नहीं चला कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ. मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई आराम से कोई टाइप का पेप्सी या मतलब कोई फिजी ड्रिंक पी रहा हूँ. सो ये आई मीन ये आप दोस्तों के साथ हो, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, आपको साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए बियर के या फिर जिन के या फिर जो भी आप हार्ड विस्की के, तो आप ऑब्वियसली ये टेस्ट कर सकते हो. ये अच्छा टेस्ट भी करता है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और होप करता हूँ कि मैं और भी ऐसे दारू रिव्यूज़ लाऊंगा. थैंक यू.